जब मैं अमेरिका में गया, वो डिटू राइट एक शहर है, डिटू राइट, मैंने कहा तुम लोग पाकिस्तान से यहाँ डिटू राइट में जो आए हो, तो जब तक अल्लाह पर फिदा नहीं होगे खाली पेट होगा वो, जब तक अल्लाह पर फिदा नहीं होगे जिंदगी का मकसद अदा नहीं होगा। ये जो तुम एमएस हो रहे हो और डॉक्टरेट पढ़ रहे हो, ये सब पेट है पेट। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, है दिले रोशन मिसाले देवबंद, है दिले रोशन मिसाले देवबंद, और नदवा है जबाने होशमंद, अब अलीगढ़ की भी तुम तशबीह लो, अब अलीगढ़ की भी तुम तशबीह लो, एक मुअज्जज पेट उसको मान लो। तो मैंने कहा कि देखो ड्यू टू राइट वालों सुन लो, अगर अल्लाह के की पर फिदा होना ना सीखा और जिंदगी से अपनी अल्लाह को खालिक जिंदगी को राजी ना किया, तो ये जिंदगी जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवर को अकल नहीं है। हम आप अकलमंद होकर भी अगर जानवर की तरह रहें और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस बने रहें, रात को खाते रहें, सुबह लेटरिन में जमा करते रहें, न ऐशा न फज्र, तो फिर सुन लीजिए अकबर इलाहाबादी क्या कहते हैं, न नमाज है न रोजा न ज़कात है न हज है, न नमाज है न रोजा न ज़कात है न हज है, फिर इसकी क्या खुशी है कोई जंट कोई जज है, फिर इसकी क्या खुशी है कोई जंट, और दीन क्यों नहीं आया इनके अंदर, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कालिश के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में। तो मैंने कहा कि ऐ दोस्तों पाकिस्तानी मेरे साथ थे और मुझसे बैठ भी हो गए थे, वो कई कई एक निदाढ़ियां भी रखी, ऐसे शख्स ने दाढ़ी रखी और बैठ हुआ जो यहाँ आता था और यहाँ नहीं रखी उसने। मैंने कहा तेरी मुकद्दर में अमेरिका में दाढ़ी रखना था, जहाँ चाहे काफिरों के झुरमुट में वो वली अल्लाह पैदा कर सकता है और बैतुल्लाह में काफिर बदमाश जिंदीक पैदा कर सकता है। शायर बुजुर्ग फरमाते हैं, लावे बुतखाने से वो सिद्दीक को, काबे में पैदा करे जिंदीक को। ये कौन है? अबू जहल। लावे बुतखाने से वो सिद्दीक को, काबे में पैदा करे जिंदीक को, अहलिया लूटे नबी हो काफिरा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, अहलिया लूटे नबी हो काफिरा, और ज़ौजे फिरौन होवे ताहिरा, और फिरौन की बीवी सहाबिया थी वली अल्लाह थी, ज़ादे आज़र खलीलुल्लाह हो, आज़र बुतपरस्त का बेटा इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर होता, ज़ादे आज़र खलीलुल्लाह हो, और कनवा नूह का गुमराह हो, गैर को अपना करे अपने को गैर, और दैर को मस्जिद करे मस्जिद को दैर, फहम से बरतर खुदाई है तेरी, अक्ल से बाला खुदाई है तेरी, हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहो, किसी को हकीर न समझो, जरा सी देर में तवज्जो डाली दिल पर अल्लाह वाला बन गया, एक जरा सी तवज्जो से इंसान वली अल्लाह होता है, इरादा किया अर्श आजम पर इरादा हुआ उसी वक्त वो वली अल्लाह हो जाता है सिकंडों में, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन, जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो क्या कहता है, फयकून लहू कुन, कहता कुन हो जा, फयकून तो हो जाता है।